पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा और कहा कि समझौता दो देशों के बीच होता है, दो व्यक्तियों के बीच नहीं, जो भी हो देश हित में हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। गुजरात में होने वाले नमस्ते ट्रंप आयोजन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि समझौता दो देशों के बीच होता है, दो व्यक्तियों के बीच नहीं। भारत और अमेरिका के बीच जो भी समझौता हो वो देश हित में होना चाहिए। विधायक लक्ष्मण सिंह के कंप्यूटर बाबा पर दिए बयान पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में आ रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। और समझौता दो देशों के बीच में होता, व्यक्तियों के बीच में नहीं होता। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।